मध्य प्रदेश के मालवा में क्षिप्रा नदी के तट पर हजारों वर्षों से भी पहले से बसी है भारत की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरी उज्जैन। अलग अलग सदी में ये अलग अलग नामों से जानी जाती रही है, उज्जैनी, अमरावती, कुशस्थली, कनक श्रृंगा और अवंतिका। अवंतिका नगरी भय को दूर करने वाली, अकाल मृत्यु का योग होता है उसको दूर करने वाली, जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, कूर्मा अवतार हुए हैं, वराह अवतार हुए हैं, नरसिंह अवतार हुए हैं, राम कृष्ण, सभी अवतार किसी न किसी समय पर अपने अवतार के समय पर अवंतिका में आए हैं। पुराणों में सप्तपुरी यानी सात मोक्षदायिनी नगरों का वर्णन है, उसमें उज्जैन नगरी भी शामिल है। उज्जैन had become a city of devotees. उज्जैन भक्तों और ज्ञान के जिज्ञासुओं का नगर था। वो लगभग भारत की दूसरी काशी की तरह हो गया। प्राचीन काल में उज्जैन में हजारों मंदिर स्थापित किए गए थे, इसलिए उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 लिंगों में महादेव अलग अलग रूपों में मौजूद है। हमारे अवंतिका में शक्ति पीठ है, हरसिद्धि शक्ति पीठ है, जो विक्रम की आराध्य देवी है और कृष्ण की कुल देवी है। प्राचीन काल में ये विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी भी थी। यहाँ पर महाकाली हरसिद्धि के रूप में मौजूद है। कथाओं के अनुसार उज्जैन में सती की कोहनी गिरी थी और हर सिद्धि मंदिर वहीं स्थापित किया गया था। रोज शाम को मंदिर के प्रांगण को दीपों से सजाया जाता है और आरती के समय मंदिर की छटा बेहद खूबसूरत व निराली होती है। प्राचीन काल में ये कापालिकों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है और उज्जैन के जितने इस समय देवता उपस्थित है, ये सभी कहीं ना कहीं अघोर या कापालिक मतों के ही प्रतिपादक में। काल भैरव, काल भैरव का अर्थ होता है कि जो काल अर्थात समय का भी भरण पोषण करने में सक्षम हो। गढ़ कालिका, ये क्रम से सबके नामों में काल का जो वर्णन आ रहा है, काल अर्थात समय, और उस काल के ऊपर भी जो नियंत्रण करता है वह महाकाल, और उसके कोप से एक ब्राह्मण बालक को बचाने के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे इस जगह पर और उस दैत्य को और उसकी समस्त सेना को यहाँ पर नष्ट कर दिए थे। उस बालक के निवेदन पर भगवान महाकाल ने हमेशा के लिए उसके पास निवास करने का निश्चय किया और इस ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहाँ स्थित हो गए। तब से यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है।